नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल टिप्स के पुकार में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों जो आपकी ये गैलरी की फ़ोटो जो होती है, ये दोस्तों आप लोग लाइफ टाइम के लिए कैसे आसानी से, दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कैसे आप लोग आसानी से अपने इस फ़ोटोज़ को ना अपने गूगल जो यहाँ पर होता है गूगल फ़ोटोज, इसमें कैसे आप लोग जो है यहाँ पर आसानी से दोस्तों आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, देखिए यहाँ पर ये जो फ़ोटोज़ है ना, इसे दोस्तों आप लोग लाइफ टाइम के लिए कैसे आप लोग इसमें ला सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, हर एक स्टेप आपको अच्छे से जानने को मिलेगा। बस आप लोग ध्यान से वीडियो को देखेंगे ना, पते समझ में आएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप लोग वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा, जिससे आगे आने वाली अपडेट आप सब लोग को मिलती रहेगी। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कैसे इसमें आपको लाना होता है। देखिए दोस्तों, जो आपका इस गैलरी में फ़ोटोज़ रहेगा ना, वो फ़ोटो जो सीधे आप लोगों के यहाँ पर कैसे आएगा, तो यहाँ पर आप लोग को जैसे ही आप लोग का गूगल में फ़ोटो कोई भी आप लोग क्लिक करते हैं तो सारी फ़ोटो यहाँ पर भी शेयर हो जाती है, ठीक है, मतलब इस ऐप में भी आ जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि हम जब इस फ़ोटो को इसमें आ जाता है दोस्तों, अगर हम अपने गैलरी में से डिलीट भी करते हैं ना, तो दोस्तों वो फ़ोटो यहाँ से भी डिलीट हो जाती है, ठीक है, यहाँ से भी आपको डिलीट हो जाएगी। तो अब दोस्तों इसे सेव कैसे करना है, तो देखिए अगर दोस्तों आप लोग को सेव करना है लाइफ टाइम के लिए, तो आपको सबसे पहले आपको कॉर्नर में आप लोगों को लोगो दिख रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं, आपको सिंपल इसी पे क्लिक कर देना है। इस पे दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर शो करेगा, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ से आपको बैकअप लेना होता है, मतलब दोस्तों यहाँ पर नीचे आप लोग आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा फ़ोटोज़ का ऑप्शन, आप लोग देख सकते हैं फ़ोटो सेटिंग्स का ऑप्शन है ना, आपको सिंपल करना क्या है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको शो करेगा, तो आपको दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, तो दोस्तों यहाँ पर ऊपर में ही आपको देख जाएगा बैकअप का ऑप्शन, आप लोग देख सकते हैं, आपको सिंपल है बैकअप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। बैकअप वाले पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है, इस पर आपको टैप करना है, और इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जीमेल दिखा देगा। अब यहाँ पर दोस्तों आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको बैकअप क्वालिटी दिखाएगा कि आप लोग किस क्वालिटी में अपने फ़ोटोज़ को यहाँ पर कर सकते हैं सेव। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप, अगर क्वालिटी यहाँ पर ओरिजिनल क्वालिटी पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको 1.5 GB नो चार्जिंग लगेगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर 1.5 GB नहीं लेगा। यहाँ पर नीचे में आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो हमें तो दोस्तों यहाँ से अब हम बैक जाएंगे, और बैक जाएंगे तो मोबाइल डेटा यूसेज आपको देखने को मिलेगा, आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से अब आपको पूछा जाएगा कितने MB में आप लोग जो है बैकअप लेना चाहते हैं, मतलब कितने MB का आप लोग जो वीडियोस डाउनलोड इसमें जो है सेव करना चाहते हैं। तो नो डेटा रहेगा 5 GB, 10 सॉरी यहाँ पर 5 MB, 10 MB और यहाँ पर 30 MB, इस तरीके से आप लोगों को, और अनलिमिटेड है, तो यहाँ पर अनलिमिटेड करेंगे तो आपको हर एक जो है आप लोगों का यहाँ पर जो होता है ना, वो आसानी से आप लोगों का मतलब यहाँ पर सेव होगा, ठीक है, मतलब कोई भी फ़ोटो में आप लोगों का चार्जिंग नहीं लगेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बैग जाएंगे, इस तरीके से आप लोग आसानी से कर सकते। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सब नीचे आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा बैकअप डिवाइस फोल्डर, आपको इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करेंगे तो ये जितना भी आप लोग का फोल्डर्स रहेगा वो सारा का सारा यहाँ पर आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर चाहे आप लोग डाउनलोड किए रहेंगे तो भी आ जाएगा, इरेजर किए रहेंगे तो भी, एक्सपोर्ट किए रहेंगे तो भी, GB व्हाट्सअप इमेज, GB व्हाट्सअप, इस तरीके से आप लोगों को काफ़ी सारे यहाँ पर जो है यहाँ पर फोल्डर्स मिल जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जिस भी फोल्डर्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, आपको यहाँ पर ऑन पे क्लिक कर देना है, और इस पर क्लिक करेंगे आपको दोबारा से मतलब यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग को जो भी यहाँ पर डाउनलोड करना रहेगा, मतलब अपने जो है गूगल में सेव करना रहेगा, आपको ऑन कर देना है, और यहाँ पर ऑन करने के बाद आपको यहाँ से बैग जाना है, और बैग जाने के बाद दोस्तों यहाँ से आप लोग अपने डेटा को जो है ओपन कर दीजिएगा। तो ऊपर में आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर ऑन होना, सॉरी यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। इस तरीके से दोस्तों आप लोग आसानी से यहाँ पर डाउनलोड कर सकती हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, और नए होंगे तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन मिल दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।